लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल और हम आज से शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड की रेनबो बुक क्लास 12th का सिलेबस। एक के बाद एक चैप्टर्स मैं आपके पास लेकर आने वाला हूं। चैप्टर्स के साथ साथ चैप्टर्स की समरी, चैप्टर्स का विश्लेषण, अच्छी तरीके से उसको समझाने के बाद उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। साथ ही साथ इस जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसके उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी आपके समक्ष मैं लाने वाला हूं। मुझे आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको ये बहुत फायदा भी करने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी, ये आपके रेनबो बुक का क्लास 12th बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। Indian Civilization and Culture is an essay written by Mahatma Gandhi. He was a great freedom fighter. This essay has been taken from his autobiography, My Experiment with Truth. बता दें कि ये जो essay है जो आपके book में first chapter के तौर पे आया है, Indian Culture and Civilization, Indian Civilization and Culture, ये Mahatma Gandhi के द्वारा लिखा गया एक essay है। Mahatma Gandhi एक freedom fighter थे, हमारे राष्ट्रपिता थे, इस बात को हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है जानता ही है। दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो एसे है इसको कैसे लिया गया है, कहां से लिया गया है। तो इस एसे को लिया गया है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने अपने ऊपर ही किताब लिखी थी, अपने आप बीती लिखी थी, उस जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसी से लिया गया है। वेयर ही हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस एसे में, इस किताब में जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, जो एसे आपके चैप्टर में दिया गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच डिफरेंस या उसका कंपेरिजन, उसकी तुलना करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया का जो, इंडिया की जो सभ्यता है ये वेस्टर्न सभ्यता से, पश्चिमी सभ्यता से कैसे अलग है। He says that all the great civilizations of the world lost its existence. वो कहते हैं कि भारत के अलावा दूसरी जितनी भी सभ्यताएं थी सब ने अपनी, अपने होने को ही, अपने एग्जिस्टेंस को ही खो दिया। बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, लेकिन अभी तक भारत और भारतीय सभ्यता जिंदा है, एंड इट्स हर ग्लोरी, और यही इसकी खूबसूरती है। सो वी शुड क्लिंग टू आवर ओन सिविलाइजेशन, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहें, हम अपनी सभ्यता को जकड़े रहें। इफ वी वॉन्ट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें संतुष्ट रहना है, तो हमें अपने डिजायर्स को, अपनी चाहतों पर हमें काबू पाना होगा, अपने नफ्स पे हमें काबू पाना होगा। गांधी जी कहते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड नेवर गेट्स सेटिस्फाइड। हिंदी में जो इंसान का जो दिमाग है वो एक छटपटाती हुई चिड़िया की तरह है, उसको जितना ज्यादा दोगे वो उतना ज्यादा और मांगेगा, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, फिर से सुनिए। महात्मा गांधी अपने इस एसे में कहते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड नेवर गेट्स सेटिस्फाइड। हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे, हमारे अगर आपके घर में कोई बूढ़ी औरत या बूढ़े कोई होंगे तो वो बताते होंगे आपको कि ये जो इंसान का, जो इंसान की जो चाहते हैं ये लामहदूद है। उर्दू में कहते हैं तमन्ना लामहदूद, मतलब इसको जितना ज्यादा आप देते चलेंगे वो उतना ज्यादा छटपट करेगा और मांगेगा, राइट। इफ द वेस्ट हैज डन मैडनिंग इन्वेंशंस वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी सोल एंड रिलीजन। महात्मा गांधी कहते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आने वाले लोगों ने हमें मैडनिंग इन्वेंशंस दिए हैं, हमें ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं जिसको देखकर हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, राइट। बट इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि इंडिया या वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी सोल एंड रिलीजन।
भारत ने, भारतीय सभ्यता ने, भारत के लोगों ने भी दुनिया को सिखाया है। क्या सिखाया है? रिलीजन सिखाया है, आत्मा सिखाई है, धर्म सिखाया है, इंटीग्रिटी और यूनिटी के साथ, एकता के साथ, इज्जत के साथ रहना सिखाया है। वी डोंट हेट वेस्ट बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट। गांधी जी आगे कहते हैं कि हम भारत की सभ्यता के खिलाफ या हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करते हैं, पश्चिमी सभ्यताओं से नफरत नहीं करते हैं या पश्चिम से हम नफरत नहीं करते हैं, लेकिन हमें उसको कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वी वर्शिप मोरालिटी वेयर एज दे वर्शिप इमोरालिटी। हम किस चीज की पूजा करते हैं? भारतीय सभ्यता के जो लोग हैं, भारतीय सभ्यता जो है, यह हमें क्या चीज की पूजा करना सिखाता है? एक वर्ड आ रहा है, मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है हमें अपने मोरल्स, हम मोरल्स की पूजा करते हैं, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरालिटी की पूजा करता है। बोथ दीज सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ओन स्फीयर्स। दोनों ही सिविलाइजेशंस अपनी अपनी जगह पर बहुत सही हैं, बहुत सही है। दोनों अपनी अपनी जगहों पर बहुत सही है। आप इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर लें या आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर लें, बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटीरियलिज्म। याद रहे, गांधी जी ने दोबारा एक वर्ड का यूज किया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। पहले हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, अब हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन को ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, आधुनिक सभ्यता, राइट? तो ये जो आधुनिक सभ्यता है, हमें ये क्लियर है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि इट इज द वर्शिप ऑफ मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म किसे कहेंगे? मटीरियलिज्म कहेंगे पैसे को पूजने को, राइट? तो गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये मटीरियलिज्म की पूजा करता है, एंड आवर फोर फादर्स हैव टॉट अस टू बिलीव इन आवर ओन हैंड एंड फीट। हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें किसकी पूजा करना चाहिए, किस पे हमें यकीन रखना चाहिए। हमें अपने हाथ पैर पे यकीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यूज। और जो हमारे फोर फादर्स ने हमें सिखाया है, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू रिवाइव आवर ओन सिविलाइजेशन, और अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनली, दिस इज एन ऑसम वर्क ऑफ गांधी, वेयर ही हैज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशंस एंड एडवाइज्ड इंडियंस टू अडॉप्ट आवर ओन सिविलाइजेशन। इसका सारांश ये है, इस पूरे के पूरे समरी का समरी ये है कि गांधी जी के द्वारा लिखा गया ये जो एसे है, या ये जो एक्सट्रैक्ट गांधी जी की किताब से लिया गया है, ये बहुत खूबसूरती के साथ लिखा गया, और बहुत खूबसूरती के साथ दोनों सिविलाइजेशंस का कंपैरिजन है। कौन कौन से दो सिविलाइजेशंस हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए गांधी जी ने दूसरा क्या नाम यूज किया है? आप आंसर लिख करके हमें कमेंट में बताइए। तो इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच महात्मा गांधी ने बहुत बेहतरीन कंपैरिजन किया है, और साथ ही साथ इंडियंस को यह सलाह दिया है कि अपने सिविलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट करने की कोशिश की जाए।